Okay. लाओ उसको सेंटर में, होता क्या? ट्राई करो, एडजस्ट करो। और थोड़ा सेंटर हो गया। बस बस एक बार आलू उबालते हुए दिखना है मेरे को सीधा यूट्यूब। हाँ हाँ भाई क्या बोलते इसको? इसको बोलते ये जो प्रोजेक्ट है अपना वो है सोलार पैराबोलिक हीट कलेक्टर। कलेक्टर हाँ, हीट कलेक्टर। उसके हिसाब से जो अपनी हीट आ रही है वहाँ से हाँ। वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके सेंटर पॉइंट पे रिफ्लेक्ट जो रेडिएशन मिल रही मतलब रिफ्लेक्ट हो रही वो इधर में आ रहा है और अपन इस हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं सेंटर वगैरह। जैसे सन सन के ऊपर में है, डिपेंड है वो सन के ऊपर में। जैसे अभी हमने 10 बजे से चालू किए थे तो 10 बजे से कैसा था, धूप थोड़ी कम थी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था पकने के लिए। कितने मिनट में होता है? कितने मिनट वो सन के ऊपर में, जैसे धूप ज़्यादा पकी, ज़्यादा आ रही तो ज़्यादा आ रही की वजह से वो जल्दी पकेगा। 15-20 मिनट। जैसे अभी सेकंड आलू रखा हमने तो 5-10 मिनट पहले ही रखा था तो अभी पूरा पक गया वो। और फर्स्ट आलू जो रखा था वो 9 बजे रखा था, 9:30 बजे जब आलू चला जाता था तो उसको थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि धूप की वजह से लगा था वो कम थी। हाँ और धूप का कहीं पे भी गिरे तो अपन इस हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इससे अपन इसको एडजस्ट कर सकते और इससे अपन इसको एडजस्ट कर सकते। जनरली टेम्परेचर कितना होता? टेम्परेचर इसका कुछ भी टेम्परेचर नहीं है, जो इस पर आएगा उस हिसाब से अपन जो पॉइंट मिलेंगे वो पॉइंट अपन इसको देंगे। फिलहाल कितना है एंगल भी नहीं, ये जो पीछे दिया है ना इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए अपन हिलाऊंगा, हिलाने के कारण में ये पूरा ये ढीला हो जाएगा। अपन इसको धीरे धीरे कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को सेंटर पॉइंट मिला, अपन लकड़ी लगा के देखेंगे, जहाँ लकड़ी जल गई सेंटर पॉइंट मिल गया तो अपन यहाँ से इसको टाइट कर देंगे। फिर टाइट कर देंगे फिर काम चालू हो जाएगा। चालू चालू अभी देखो अभी ये पॉइंट इधर मिल रहा अपन। हाँ जल्दी तो जल लेता है क्या? फिर वो जल रहा है यहाँ पे। हाँ ये पॉइंट इधर में मिल गया, ये पॉइंट अपने को यहाँ पे सेंटर पे इधर में जाइए तो उसको अपने को फिर सेट करना पड़ेगा इधर से। ऐसा है तो कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस तो होता है। क्या बोलते इसको? सोलर पैनल पैराबोलिक सोलर कलेक्टर। बस पता नहीं हमको, ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है।